Hey guys, thank you so much for joining in. गाइज फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके फेसबुक एड अकाउंट पे एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं ले सपोज आप एक टीम में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी एजेंसी से काम करवा रहे हैं कोई फ्रीलांसर आपके अकाउंट पे काम कर रहा है या फिर आप अपने ही टीम मेंबर्स के साथ अपने फेसबुक एड अकाउंट का एक्सेस शेयर करते हैं तो उसके इसमें होता क्या है कि आपके अलावा भी जिन लोगों के साथ जिन टीम मेंबर्स के साथ आपने अपने फेसबुक एड अकाउंट का एक्सेस शेयर किया हुआ है वो भी आपके कैंपेन में चेंजेस कर सकते हैं और अगर आपको पता लगाना है कि किसने कब कौन सा चेंज आपके किस पर्टिकुलर कैंपेन में किया है तो यह चीज भी यह फीचर भी आपको फेसबुक एड्स प्रोवाइड करता है और इस फीचर का नाम है हिस्ट्री आपको दिखाने के लिए मैं आ गया हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ कैंपेन हैं अगर मुझे देखना है कि किस कैंपेन में किस पर्टिकुलर यूजर ने या कब कौन सा चेंज हुआ था तो मुझे सिंपली क्या करना है मुझे उस कैंपेन पे हवर करना है और यहां पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करके मुझे व्यू हिस्ट्री पर क्लिक करना है व्यू हिस्ट्री में गाइस क्या आता है कि वो कैंपेन कब क्रिएट हुआ सबसे पहले उस कैंपेन के बाद वो कब कैंपेन स्टार्ट हुआ यानी वो एड कब एक्टिव हुआ रिव्यू मोड से बाहर कब आया और उसके बाद के फर्दर एक्शंस क्या क्या हुए और किस किस ने परफॉर्म किए तो अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग से इस कैंपेन के बारे में दिखाऊँ तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कैंपेन क्रिएटेड थ्री फिफ्टी पर डे का बजट इनिशियली यहाँ पर था कैंपेन की डेट क्रिएशन डेट आ गई और कैंपेन आईडी और किस पर्टिकुलर यूजर ने कैंपेन को क्रिएट किया है उसके बाद एड क्रिएटेड यहां पर एड क्रिएटेड की डेट आ गई है कैंपेन स्टेटस अपडेटेड फ्रॉम इनएक्टिव टू एक्टिव इट मीन इनएक्टिव से वो कैंपेन और एक्टिव हो गया है और इसके बाद यहां पर कैंपेन बजट अपडेटेड तो आपको यह भी देखिएगा किसी ने अगर बाई चांस किसी यूजर ने या किसी टीम मेंबर ने क्या बजट को जो कैंपेन का बजट है उसको अगर अपडेट किया है कम किया है ज्यादा किया है तो भी आपको यहां पर पता चल जाएगा और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपका कोई भी यूजर नहीं करता वो मेटा की साइड से होती है दैट इज अगर कोई कैंपेन आपने क्रिएट किया और उसको सबमिट कर दिया तो आपको पता होगा कि इनिशियली वो कैंपेन रिव्यू में जाता है मेटा की साइड से और जब मेटा की टीम या एल्गोरिथम उसको रिव्यू कर लेती है तब उसके बाद वो एक्टिव होता है तो यहां पर आप देखेंगे कि एड स्टेटस अपडेटेड फ्रॉम पेंडिंग रिव्यू टू एक्टिव अब ये जिसने किया वो है मेटा इट मीन फेसबुक एड्स की एलगोर ने इसको चेंज किया है किसी यूजर ने इसको चेंज नहीं किया है हाँ अगर यूजर उस एक्टिव कैंपेन को पॉज करता है या स्टॉप करता है तो उस केस में यहां पर जो स्टेटस आएगा वो आएगा डन बाई यूजर और उस यूजर का नाम लिखा हुआ आ जाएगा और साइड में आप देख रहे हैं कि जो भी डेट है टाइम है वो सब मैंशन है और सारी चीजें यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप आपको मिलती है अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज अगर आपके फेसबुक एड्स मैनेजर में मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं और बाई चांस किसी ने कोई चेंज कर दिया और उसका इंपैक्ट आपके एड्स पर नेगेटिव हुआ कैंपेन्स पर नेगेटिव हुआ सपोज पहले आपके कैंपेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और किसी ने कुछ टेस्ट करने के लिए या बाय चांस या गलती से कुछ अपडेट कर दिया और उसके बाद कैंपेन की जो डिलीवरी है या कैंपेन की जो आउटकम्स है वो टोटली रिवर्स चले चले गए totally चले गए टोटली नेगेटिव में तो वहां पर ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि किस यूजर ने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया सो so दैट आप उस मिस्टेक को करेक्ट कर पाए और करेक्टिव मेजर्स को ले पाए बात करें यहां पर अदर ऑप्शन की तो एक्टिविटी टाइप में अभी बाई डिफॉल्ट ऑल है आप ये भी देख सकते हैं कि अकाउंट लेवल पर किसी ने चेंज किया एड लेवल पे चेंज किया एड सेट ऑडियंस लेवल पे बिड स्ट्रेटजी, बजट कैंपेन शेड्यूल रन स्टेटस टारगेटिंग यानी अगर आपको पर्टिकुलर किसी लेवल पे जाके चेंजेस देखने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट ऑल पे रहेगा और अगर बात करें चेंज बाय एनी तो यहां पर एनी वन मीन्स कोई भी यूजर हो सकता है मेटा मीन्स फेसबुक एड्स की गौरतम हो सकती है रूल्स एंड सेटिंग्स आप बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स करके रखते हैं या कुछ रूल्स लगा के रखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर इस कैंपेन का बजट इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हो जाता है तो भी एड रुक जाए या फिर यह पर्टिकुलर कैंपेन इस डेट तक ही चलना चाहिए यानी जो भी आपने रूल्स या सेटिंग्स कैंपेन में कर रखी है उसकी वजह से कैंपेन में कोई चेंज आता है या अकाउंट में कोई चेंज आता है तो वो चीज आपको यहां पर दिख जाएगी और यहां पर बाई डिफॉल्ट जिस यूजर का अकाउंट है वो यूजर को यहां पर दिखाया जाता है कि अगर उस यूजर ने कुछ चेंज किया है और अपार्ट फ्रॉम अदर यूजर्स जो भी बाकी यूजर्स हैं उनका नाम आपको फिर चेंज बाय में दिखाया जाएगा तो गाइज यह थानेजर के अंदर जो आपको मिलता है हिस्ट्री चेक करने के लिए सो so दैट आप अपने कैंपेन या ओवरऑल अकाउंट को मॉनिटर कर पाए ट्रैक कर पाए और अगर किसी ने कोई भी चेंज किया है तो आपको पता चल जाए तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो दैट जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर थैंक यू सो मच हैव अ